बच्चों आज मैं दसम वर्ग के लिए संस्कृत व्याकरण लेकर पुनः आपके सामने उपस्थित हूं। अभी तो हमारा पहला पाठ ही चल रहा है और व्यंजन संधि में हमने परस वर्ण देख लिया था, छत्व संधि भी देख लिया था और आज हम देखेंगे तुकागम, जिसको तुगागम कहते हैं। तुगागम संधि। अब सवाल यह पैदा होता है कि आखिर तुगागम है क्या? तो तुगागम का जरा संधि विच्छेद करते हैं तो हमको मिलता है तुकजोर आगम। तुगागम का संधि विच्छेद करने पर हमें आता है तुकजोर आगम। अब सवाल है कि आखिर हम ये तुक किसको कहते हैं, सो देखना है क्या होता है तुक। तो तुकागम का मतलब यह है कि अगर प्रथम पद के अंत में हरस स्वर हो और दूसरे पद के शुरू में छ हो तो बीच में च का आगमन होता है। इसको कह सकते हैं कि प्रथम पद के अंत में हरस्व स्वर अब शायद हरस्व स्वर में आपको दिक्कत नहीं है, हरस्व और हरस्व ई और हरस्व उ और हरस्व ई और हरस्व उ, यदि इन तीन में से कोई भी अक्षर रहते हो एवं दूसरे पद के शुरू में छ रहता हो दूसरे पद के शुरू में छ रहे, देखिए प्रथम पद के अंत में अगर हर्ष स्वर और हर्ष ई या हर्ष ऊ में से कोई भी रहे अर्थात औकार या हर्ष ई कार या हर्ष उकार रहे और दूसरे पद के शुरू में अगर छ रहे तो बीच में च का आगमन हो जाता है। अब जैसे इसका उदाहरण है कि अगर प्रथम पद के अंत में अ रहता है और दूसरे पद के शुरू में छ रहता है तो उस परिस्थिति में यह बन जाता है च छ संयुक्त ऐसे। अब जैसे देखिए उदाहरण है हमारा स्व जोर छंदम, स्व जोर छंदम एकदम बिल्कुल स्पष्ट है कि पहले पद के अंत में व है, व में औकार है और दूसरे पद के शुरू में छ है और ये यहां ऐसे चौछ संयुक्त बनेगा तो शब्द बन जाएगा स्वच्छंदम। शब्द बन जाएगा स्वच्छंदम। फिर ऐसे ही अगर प्रथम पद के अंत में हर्ष ई रहता है और दूसरे पद के शुरू में छ रहता है तो फिर बीच में च आएगा। और एक ध्यान देने वाली बात यह होती है यहां कि ये इस अ का कुछ नहीं होता है, ये वैसे का वैसा ही रहेगा। जैसे देखिए स्व था तो स्व रह गया, बीच में च आ गया और छंदम लग करके स्वच्छंदम बन गया।
अब हम देखते हैं कि यदि प्रथम पद के अंत में हर्ष ई हो और दूसरे पद के शुरू में छ हो तब क्या बनेगा, तब भी च छ संयुक्त ही बनेगा। देखिए प्रथम पद के अंत में हर्ष ई और दूसरे पद के शुरू में छ, तो ये दोनों मिलकर बन जाते हैं च छ संयुक्त। जैसे उदाहरण है हमारा बीजोर छेद, बीजोर छेद। अब फिर देखते हैं कि व में हर्ष ईकार है अर्थात व के साथ हर्ष ई है और छेद के शुरू में छ है, बीच में च का आगमन हो जाएगा और इस प्रकार शब्द बन जाएगा विच्छेद। शब्द बन जाएगा विच्छेद। फिर अगर प्रथम पद के अंत में हर्ष ऊ हो और दूसरे पद के शुरू में छ हो, उस परिस्थिति में भी च छ संयुक्त होगा अर्थात बीच में च का आगमन होगा। तो अब देखते हैं हर्ष ऊ और छ अगर रहता है तो उस परिस्थिति में भी च छ संयुक्त बनता है। अब इसको हम कैसे देख सकते हैं, जैसे अनु जोर छाया या अनु जोर छेद, कुछ भी ले सकते हैं आप। अनु जोर छाया तो शब्द बन जाएगा अनुच्छाया। तो इस प्रकार कुल मिलाकर हमने आज तुगागम संधि को देखा, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि तुक जोर आगम, तुक का अर्थ होता है दूसरे पद के शुरू में छ होने पर बीच में च का आना, यदि प्रथम पद के अंत में हर्ष स्वर हो, जिसके अंतर्गत हमने प्रत्येक सूत्र का एक एक उदाहरण देखा, और प्रथम पद के अंत में और दूसरे पद के शुरू में छ होगा तो बीच में च आकर के च छ संयुक्त बन जाएगा। जैसे उदाहरण हो गया स्व जो छंदम स्वच्छंदम, यदि प्रथम पद के अंत में हर्ष ई होता है दूसरे पद के शुरू में छ होता है, उस परिस्थिति में भी चौथा संयुक्त बनेगा वी जो छेद विच्छेद। और यदि प्रथम पद के अंत में हर्ष स्वर हो और दूसरे पद के शुरू में छ हो फिर भी च आएगा, उदाहरण है अनु जो छाया अनुच्छाया। तो बेहतर होगा कि मैंने एक एक उदाहरण लेकर आपको समझा दिया है, इसके आगे और सारा उदाहरण आप देखें और देख करके उसका अभ्यास करें।